हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का अपने सेना प्रमुख वैलेरी ज़ेलुज़नी के साथ तगड़ा झगड़ा हुआ था। नौबत ये तक आ गई थी कि ज़ेलेंस्की ने ज़ेलुज़नी के उस बयान को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध अब गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो देश जहां है वो अब उसी स्थिति में रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि रूस ने यूक्रेन की जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा पर कब्जा किया है, अब उसे दोबारा आजाद करा पाना नामुमकिन है। बल्कि यूक्रेनी सेना को उसकी बची कुची जमीन को रूस से दूर रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि युद्ध के मैदान में ऐसे कोई हालात नहीं है। लेकिन अब यूक्रेन में कड़ाके की सर्दियां आ चुकी हैं और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यूक्रेनी सेना कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराने के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में आ चुकी है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि यूक्रेन के सैनिक और कमांडर कह रहे हैं। यूक्रेनी कमांडरों का कहना है कि उनके पास अच्छे हथियार नहीं है और यूक्रेनी सरकार के गलत फैसलों की वजह से वो युद्ध में पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस सर्दियों में दलदली जमीन और खराब मौसम के बावजूद जमीन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन में और आगे बढ़ रही है। अच्छे हथियार ना होने और सरकार के गलत फैसलों की बात पहले बंद कमरे और दबी जुबान में कही जाती थी, लेकिन अब यूक्रेनी सैनिक इतने हताश हो गए हैं कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी इस भड़ास को निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि नीपर नदी के किनारे से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है और अब इस इलाके में तैनात सैनिकों का कहना है कि इस तरह के मुश्किल ऑपरेशन गर्मियों में क्यों नहीं चलाए गए जब मौसम अनुकूल था। इसको लेकर यूक्रेन की नेशनल गार्ड ब्रिगेड के एंटी ड्रोन यूनिट के कमांडर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता, अब ये मुश्किल और बेहद ही सर्दी वाला मौसम हो गया है और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, कई यूनिट्स ने यही कहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड के कमांडर सेरही जो अवदिवका शहर में लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर हमारे पास एक भी गोली नहीं होगी तो हम इन्हें फावड़े से मार देंगे। निश्चित रूप से हर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से युद्ध में थक गया है, लेकिन सोचिए अगर हम रुक जाएं तो आगे क्या होगा। आपको बता दें कि यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि सरकार के गलत और अयोग्य और अकुशल फैसलों का खामियाजा फौज भुगत रही है जो पूरी तरह से यूक्रेनी नौकरशाही के अधीन है। सैनिकों का कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या इलाके में गर्मियों में ही जवाबी कार्रवाई बेहद ही धीमी रही और अब यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग समय पर नहीं दी गई। यूक्रेन की नौकरशाही और कागजी कार्रवाई को पूरा करने में 7 महीने का वक्त लग गया। यूक्रेनी सैनिकों का आरोप है कि 75 सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग की मंजूरी देने में ही 7 महीने लग गए क्योंकि इस इलाके में यूक्रेनी सेना ड्रोन हमलों के भरोसे है। यूक्रेनी कमांडरों का कहना है कि हमने अपना समय बेमतलब ही बर्बाद किया है, हमें रिपेयर किए गए ड्रोन समय पर नहीं मिले जिससे ऑपरेशन में बाधा आई है। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना इसका फायदा उठाते हुए जमीन पर बिछे बारूद को साफ करती हुई आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि रूसी सेना यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी का जमकर फायदा उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिकों के पास अच्छे हथियार नहीं है। यूक्रेनी कमांडरों का कहना है कि हम इन सर्दियों में अपनी जमीन की जद्दोजहद करेंगे। इसको लेकर बखमुत के पास मैकेनाइज्ड बटालियन के कमांडर का कहना है कि हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि कम से कम सैनिकों की हानि हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सर्दियों में हम दोनेस्क या बखमुत को आजाद नहीं करा पाएंगे क्योंकि रूसी सेना के पास ज्यादा सैनिक हैं।